नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का लॉजिकल कॉम्पिटिटर्स पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी अभी जो पेपर हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसकी कट ऑफ क्या हो सकती थी, पेपर का लेवल कैसा था। तो देखो, अगर पेपर को हम कंपेयर करते हैं 2017 से, तो आप अगर कोई ये कहता है कि नहीं पेपर का लेवल बिल्कुल वैसा था, कट ऑफ हाई जाएगी, तो वो गलत कह रहा है। क्योंकि एक बार आपने खुद देखा कि जो मैथ्स थी वो मतलब ट्रेडिशनल मैथ्स नहीं थी, थोड़ा सा मैथ्स में चेंजेस किए थे, तो जिसकी वजह से जिन लोगों ने मतलब वो मैथ्स नहीं पढ़ी है, जिन जो ट्रेडिशनल बाउंड चीज़ें ही पढ़ते हैं, तो उनको दिक्कतें आई हैं। और ये दिक्कतें लगभग 80% लोगों को आई ही आई हैं, तो वो बात आपकी कट ऑफ पे इफेक्ट बिल्कुल ही डालेगी। देखिए, उससे थोड़ा सा आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपके मार्क्स भी कम होते हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं पेपर सेम था, कट ऑफ उतनी जाएगी, तो वो बिल्कुल गलत कहता है। मैथ्स वॉच बिट डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ बिट डिफिकल्ट थी, जिसकी वजह से लगभग 5-6 नंबर का तो इफेक्ट पड़ना ही पड़ना आपके। और ओवरऑल पेपर का देखोगे तो पेपर बिल्कुल आपका टफ तो नहीं था, पेपर आपका इजी टू मॉडरेट ही था, तो उसी के हिसाब से कट ऑफ आपकी थोड़ी बहुत तो लो जाएगी जाएगी। ओके, तो आप देख लेते कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो आपके 78 मार्क्स के आसपास हैं, 78 प्लस माइनस 3, तो ये आपकी कट ऑफ रहनी है यूआर कैटेगरी के लिए। ऐसे ही अगर आप ओबीसी की बात करते तो 73 प्लस माइनस 3, एससी के लिए बात करोगे तो 67 प्लस माइनस 3 और एसटी के लिए 63 प्लस माइनस 3। तो अगर आपके इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन श्योर शॉट मान सकते हो। ठीक है, आपको टाइपिंग करनी ही करनी है। ओके, तो बस ज़्यादा परेशान मत होइए अगर कोई कहता है कि नहीं 85 करो या फिर 80 प्लस करो, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यू आर कैटेगरी में 75 टू 81 के बीच में बन रहे हैं, तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपको कॉलिंग होगी। तो आप बिल्कुल बस अब जो होना था हो गया, पेपर आपका हो चुका है, आपने आंसर की लगभग एक्सपेक्टेड आंसर की आपने मिला भी ली है, तो बिल्कुल अब परेशान मत हो, बस सीधा अपना कंप्यूटर उठाइए और टाइपिंग पे लग जाइए। इंग्लिश टाइपिंग तो आई होप कि अगर आप पेपर दे रहे तो आपकी इंग्लिश टाइपिंग तो पूरी ही पूरी कंप्लीट होगी। और बात करते हैं हिंदी टाइपिंग की, तो हिंदी के लिए आपके पास अभी देखो रिजल्ट आने में जो आपका एक्सपेक्टेड डेज हैं वो लगेंगे 45 to 60 डेज। आपका 45 से 60 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि क्या है उसके बाद फिर आपके आचार संहिता लगनी है, तो उससे पहले गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि वो अपने छोटे मोटे काम निपटा ले। ओके, तो आपके पास लगभग डेढ़ महीने से दो महीनों का टाइम है रिजल्ट आने के बीच में, तो इसमें आपको हिंदी की टाइपिंग दबा के करनी है। करना क्या कुछ नहीं, बस आप ज़्यादा नहीं कर रही, आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास दो महीने में आप आराम से कवर अप कर लोगे उन चीज़ों को। तो आप बिल्कुल टेंस मत होइए, बस अगर आप कितने मार्क्स आ चुके तो आप बस तुरंत कंप्यूटर उठाकर टाइपिंग पे जुट जाइए। आप हो सके तो कोई बात नहीं, अगर आप कल आप थक गए होगे तो आज आप रेस्ट कर लो, और लेकिन कल से आपको रोज़ रोज रेस्ट मत करने लग जाना, लेकिन हाँ कल से आप जरूर लैपटॉप उठा के कीबोर्ड लगाइए और उसमें टाइपिंग पीटना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। अगर आपके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपने मेहनत करी है, तो आपने अगर एक बार मेहनत करी तो आप दोबारा भी मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था कि कट ऑफ इसके आसपास रहेगी, आप लोग बिल्कुल भ्रम में मत आइए दूसरे लोगों के, पेपर आपका अच्छा था पिछली बार से अच्छा था, तो कट ऑफ थोड़ी बहुत कम जाएगी। और टाइपिंग की बात है तो आपकी इंग्लिश टाइपिंग तैयार है, बस हिंदी के लिए लगातार लगे रहिए, आपको बस डेढ़ से दो महीनों में आपकी जो एक्सपेक्टेड स्पीड है वो आपकी आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो टिल देन आप लोग टाइपिंग करते रहिए। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।